Why are you not offended about it? उसके बारे में भी मुझे पूछिए. लोगों के पास कुकिंग गैस नहीं है अभी कश्मीर में. वहाँ पे गैस एजेंसियाँ ठप हैं. फारूक अब्दुल्ला साहब को ना डिटेन किया गया है ना अरेस्ट किया गया है. वो अपनी मर्जी से अपने घर में है. You think I will stay inside my house of my own will? While my state is being burnt, while my people are being executed in the jails, punished in their homes. की जंग अभी बाकी है. नमस्कार, मैं हूं सांची त्यागी और मेरे साथ है प्रिया जुनेजा. लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और धारा 370 को लेकर के कैसे समीकरण बदल रहे हैं. और जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एक कहानी है उस इतिहास की जिसने ना जाने क्या कुछ देखा है. बेहद अकल्पनीय ढंग से और अभूतपूर्व ढंग से इतिहास का एक एक पन्ना पलटता गया और उस पलटते पन्ने के साथ उसमें दर्ज होता है धारा 370. धारा 370 को जब जोड़ा गया तो उसके साथ जम्मू कश्मीर के लोग कुछ खुश थे और उस दौरान भी कुछ लोग गम में थे. आज जब कुछ संकल्प लिए गए सरकार द्वारा और वो संकल्प पूरा करने के साथ ही धारा 370 का पेज इतिहास के पन्नों से और संविधान के पन्नों से जैसे ही हटाया गया तो उसके बाद एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है. कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग कम में हैं. इसी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ याचिकाओं पर सुनवाई हुई जो पहले से ही धारा 370 को लेकर के सुनवाई करने वाले थे. अब इस बीच बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया क्योंकि धारा 370 को लेकर के तलब किया है सरकार को. सरकार को रिपोर्ट मांगी है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है धारा 370 को लेकर के अलग अलग चीजों पर रिपोर्ट पेश करें. बिल्कुल, मैं हूं प्रिया आपके साथ. और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370 की, यानी कि धारा 370 और अनुच्छेद 35 को लेकर 5 अगस्त से ही लगातार चर्चा जारी है. आज जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला लेने की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी अक्टूबर के पहले हफ्ते में, चाहे फिर वो शाह फैजल की याचिका हो, चाहे वो राधा कुमारी की याचिका हो. हालांकि अलग अलग दलीलें सभी याचिकाओं में रखने की बात कही जा रही है. सभी चीजों को जिक्र करते हुए, सभी चीजों का जिक्र, चाहे हम पाबंदियों की बात करें या फिर धारा 370 हटाने को असंवैधानिक रूप देना करार जो लगातार कहा जा रहा है, या फिर अगर मेन स्ट्रीम पार्टियों के नेताओं को छुड़ाने की बात करें, इस तरह की कई याचिका दायर की गई है जिस पर अब सुनवाई होगी अगस्त के पहले हफ्ते में. लेकिन इसके साथ साथ साथी अगर हम बात करें राहुल गांधी को लेकर जिनकी नई नई राष्ट्रभक्ति आज जागी है, बिल्कुल, और इतने दिनों बाद उसके साथ साथ बात पाकिस्तान की करें, पाकिस्तान जो फिलहाल कहीं से भी हमारे आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की कुछ कोशिश कर रहा है कि और यही कारण है कि टांग अड़ाने का जो कोशिश कर रहा है उसका फिलहाल इसका कोई हक नहीं बनता. इसको साफ कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत. लेकिन अब राहुल गांधी जो आज ट्वीट करते हुए नजर आए हैं, उनका कहना है कि मैं तो केंद्र सरकार के साथ हूं और पाकिस्तान यानी कि कोई भी देश हमारे इस मसले को लेकर हम पर उंगली उठाइए, मैं सहन नहीं कर सकता. आखिर किस तरह से ये जो राष्ट्रवाद है वो जाग गया, हम सभी चीजें आपको दिखाते हैं, इस प्रतिक्रिया में आपको सुनाते हैं. देखिए, राहुल गांधी या उनके हम सब साथी जो डेलीगेशन में गए थे श्रीनगर और लौटा दिए गए थे, हम में से किसी का भी और विशेष तौर पर राहुल गांधी का कभी ऐसा कहना नहीं हुआ कि हम वहाँ जा रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को कोई मदद मिले. कश्मीर भारत का एक अखंड हिस्सा है, ये हमेशा ही से हमने कहा और हमें बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है. हमने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के मफाद के लिए या पाकिस्तान को कोई मौका देने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं. हमारी और सत्तादल पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लड़ाई जो है वो भारतीय संवैधानिक और भारतीय लोकतांत्रिक दायरे में है. तो ये थे माजिद मेमन, जिन्होंने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी. लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से 23 दिन बाद राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति जागती है, तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण यह भी है ये बताना कि क्यों आज राष्ट्रभक्ति जगी. पाकिस्तान ने राहुल गांधी के ट्वीट को, राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल किया और अपने न्यूज चैनल्स पर चलाया,
जिसके बाद से लगातार मामला गर्मा और यही कारण है कि राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल, और साथ साथ सांची यूएन में जो चिट्ठी दायर की गई है, जो चिट्ठी भेजी गई है पाकिस्तान द्वारा, उसमें भी उस बयान का जिक्र किया गया है जो राहुल गांधी ने दिया था। और इस बयान को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, क्योंकि खुद राहुल गांधी अपने ही इस बयान को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं आज ट्वीट करके। हालांकि वो सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी की जो नादानी है वो कांग्रेस की परेशानी है, और राहुल गांधी जी हो या कोई भी, हमारे देश की सियासत की संस्कृति और संस्कार एक है, जो कि सदियों से, जो कि दशकों से चली आ रही है, कि हम राजनीतिक मुद्दों पे अलग अलग सुर, अलग अलग तान तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर हम एकजुट होते हैं। आज तक देश में ऐसा कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस भी 50 सालों तक सरकार में रही है और भी लोग रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया कि राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर अलग अलग सुर और अलग अलग तान हो, और वो भी सुर तान ऐसे हो जो कहीं सीमा पार में जो हमारे बैठे हुए दुश्मन हैं उनको ऑक्सीजन देने वाले हों। ये अनफॉर्चुनेट है, दुखद है, और इस बात को कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए। कांग्रेस के ज़्यादातर लोग इस बात पर 370 के मामले में, कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले में अंतरात्मा की आवाज़ पर बोल रहे हैं, और इस बात को अच्छी तरह से कांग्रेस का नेतृत्व भी समझ रहा है। देखिए, हम लोगों ने शुरू से कहा था कि राहुल जी ऐसा काम न करें, अपने बयानों से देश को बदनाम न करें। एक नहीं, अनेक बार आगाह किया हम लोगों ने कि राहुल गांधी जी पहले ट्वीट करते थे कि कश्मीर बंधक है, कश्मीर में ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, फिर वो कश्मीर चले गए, वहाँ पर जाकर वो पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ बना दिया, और पाकिस्तान ने यूएन को जो चिट्ठी लिखी उसमें आधार और साक्ष्य देने का काम किसका किया? राहुल गांधी जी के बयानों का। अब राहुल गांधी जी ट्वीट करके कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा इंटरनल मामला है। राहुल जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से वहाँ टेररिज्म है। काश ये सोच पहले आपकी आ गई होती तो आज भारत को इस तरह से बदनाम पाकिस्तान न करता। आप लोगों के इस तरह के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान करके भारत की छवि को खराब करना चाहता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना, हमारी सेना और जम्मू कश्मीर की जनता इसको बहुत अच्छे शांतिपूर्वक माहौल बनाने में कामयाब रहे हैं। सो इसलिए राहुल गांधी को झूठ बोलने के लिए और उस झूठ को पाकिस्तान के झूठ वो झूठ पाकिस्तान के लिए सहारा बनने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। केवल ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दोष देने की जो प्रयत्न कर रहे हैं, ये भी मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक स्टंट है। राहुल गांधी इस प्रकार यू टर्न करने में माहिर हैं, और यदि वो वाकई कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का रियलाइजेशन है कि हमसे गलती हो गई, तो फिर उनको अधीर रंजन चौधरी को पार्टी से बाहर करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। राहुल को सद्बुद्धि नहीं आई है, राहुल जी के कुनमा को भी सद्बुद्धि नहीं आई है। राहुल जी का पाकिस्तान ने जो कोट करके यूनाइटेड नेशन गया, देश के मिजाज के डर से ये राहुल गांधी का बयान आया है। और गांव की कहावत है कि 100 जूते भी खाए 100 प्याज भी खाए। राहुल गांधी 70 साल से देश में केवल कश्मीर के अंदर आपने अलगाववादियों का समर्थन किया, उसी का दुष्परिणाम। लेकिन आज चर्चा का विषय राहुल गांधी कतई नहीं है, आज चर्चा का विषय जम्मू कश्मीर है, धारा 370 है, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाएं हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हैं, राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी बनी हुई है। बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा पर आज हमारे साथ अनिल गोयल है, भारतीय जनता पार्टी से नेता है, रजा रिजवी है, सीनियर जर्नलिस्ट है, इसके साथ साथ गुफ्तार अहमद है, जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार, एसके मंगोत्रा है, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनिल जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे,
जब लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्या समीकरण बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर इतिहास की लंबी कहानी है, लेकिन उसी इतिहास का एक मजबूत हिस्सा है 1947 के बाद का वो हिस्सा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आलोचना करती है और कांग्रेस लगातार बताती है किस तरीके से जम्मू कश्मीर जो जुड़ा है वो कांग्रेस की वजह से जुड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण था दिल्ली एग्रीमेंट, मानते हैं या नहीं मानते हैं? साची जी, सही बात तो यह है कि आज तक भी जो ये कश्मीर मुद्दा अटका हुआ है उसमें सबसे बड़ी गलती वो कांग्रेस की है, और उस गलती का अभी तक देश ने अपमान का घूंट पिया है, दुनिया भर का खर्चा उसके ऊपर करने के बाद भी आज हम इस स्थिति में कि जो चीज़ आज से 70 साल पहले हो जानी चाहिए थी वो चीज़ आज तक नहीं हुई, ना उन्होंने करने की हिम्मत दिखाई। ये तो हम धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का कि जिन्होंने एक सही फैसला अपनी सत्ता में आने के बाद में किया है, जो चीज़ क्योंकि अभी आप धारा 370 पर जो बहस हो रही है तो पहली धारा 370 अस्थाई थी, टेम्परेली थी, तो टेम्परेली कब तक वो बनी रखने का विषय था। तो आज हमारी सरकार ने जो बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है और जिसकी इस फैसले के साथ साथ पूरा विश्व समुदाय भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने आज तक जो भाषा बोली वो पाकिस्तानी भाषा बोली, अब वो गलती सुधारी है उन्होंने, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। पहले दिन से ही अगर वो अपने देश की जनता की भावनाएं, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित की बात सोचते तो उनको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी जो उन्होंने बोली है। अनिल जी, मेरा तो एक निवेदन हो रहा है सर, मेरा एक निवेदन साक्षी जी, मेरा एक निवेदन हो रहा है कि राहुल गांधी जी कम से कम आज के बाद ये देख लें कि कभी भी देश हित के खिलाफ ना बोलें। बीजेपी को गाली दे रोज, वो उनको अधिकार है, राजनीतिक लड़ाई लड़ना अधिकार है, जहां देश हित का मामला है उस देश हित के लिए तो सभी पार्टियों को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, पूरे देश के साथ खड़ा होना चाहिए। टेक्निकलिटीज पर जा रहे हैं, गुफ्तार साहब आपके पास आएंगे, जम्मू कश्मीर मामलों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, समीकरण आज तक जो बने हैं, मामला अटका है 370 अस्थाई है, टेम्पररी है, और मामला इस बात पर भी अटका है कि दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था जिसने आजादी दी थी कि असेंबली की परमिशन के बाद ही बदलाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट क्या देखने वाला है, संविधान और प्रोसीजर्स को, दिल्ली एग्रीमेंट जिसे भारतीय जनता पार्टी नकारती है, या फिर मानव अधिकार जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार बोल रही है? देखिए प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस डिबेट में बुलाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद पूरी रियासत में जम्मू और कश्मीर और बाकी जगहों पे जो हालात बने, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आर्टिकल 370 जो है वो हिंदुस्तान के आइन ने दिया था। कभी नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के पास चले जाते हैं, कभी इमरान खान ट्रंप के पास जाता है, कुछ इस तरीके से चीजें चली जाती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के आयन ने ही आर्टिकल 370 दिया। और इन सब चीजों के बीच सबसे जरूरी चीज जो है, क्योंकि हम वी आर द लास्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी आज से नहीं, 1947 से जब हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का एक्सेशन हुआ उस वक्त से हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोसनाक बात है, बड़े दुख की बात है कि 5 अगस्त से लेकर आज तक दिल्ली में बैठकर डिबेट्स जो हैं वो चल रहे हैं। काश अच्छा तब हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की होती, तब पता चलता कि हाँ यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो आर्टिकल शिकायत। देखो प्रिया जी, शिकायत सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के भले के लिए कुछ कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी गवर्नमेंट से, देश को भी बात जो है वो बताना चाहता हूं कि जब आप किसी चीज की, किसी इलाके की, किसी स्टेट की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किसी इलाके को एम्पावर करना चाहते हैं, किसी स्टेट को एम्पावर करना चाहते हो, वहां के लोगों को सबसे बड़ी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ी जो ये होता है कि वहां के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले, उन लोगों से बात करें, जनाब हम आपके लिए ये पैकेज ला रहे हैं, क्या आप हमारे साथ हो या नहीं।
कि बीजेपी लगातार कह रही है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और सबसे पहले विकास कार्यों की उन्होंने बात की। पीएम नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करते हुए नजर आए थे तो साफ तौर पर उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि लोगों को, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको कैसे सहमत किया जाए और उनको किस तरह से विश्वास दिलाया जाए कि अब आगे सब ठीक होगा। जिस तरह से अनिल जी, आपकी सरकार ये लगातार कह रही है, लेकिन सवाल तो आप पर ही उठ रहे हैं कि अभी विश्वास में आप ले नहीं पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। मैं जो आज चौधरी साहब मेरी सुन ले, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा है, सही मायनों में अब तक 370 होने की वजह से ही कश्मीर का विकास नहीं हो पाया और जो केंद्र की योजनाएं वो कश्मीर में पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। हम तो ये चाहते हैं जो दिल्ली के नागरिक को मिले वो ही कश्मीर के नागरिक को मिले, जो अधिकार दिल्ली के नागरिक के हों वही अधिकार कश्मीर के नागरिक के हों। जो जो योजनाएं, चाहे आयुष्मान योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे सरकारी नौकरियों के अंदर सैलरी है, वो ये सब दिल्ली के बराबर पहुंचे और उसका विकास उनको मिले। यही कारण है कि आप लोग इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मंगोत्रा साहब इस वक्त उसी जम्मू कश्मीर में हैं जिस जम्मू कश्मीर से लगातार हम चौधरी साहब को सुन रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत यह है, प्रिया धारा 370 को लेकर के हालात क्या थे? अपने दर्शकों को ये बात बतानी बहुत जरूरी है। धारा 370 जिस दिन से लागू हुई वहां मिलिटेंसी ने जन्म लिया। 1990 में कश्मीरी पंडित अपने राज्य में छोड़ करके पलायन करते हुए नजर आए। अपने ही राज्य में माइग्रेंट कहलाए जाने वाले लोग कश्मीरी पंडित हैं, उनको लेकर के चर्चा इस देश में नहीं होती है। धारा 370 उनके लिए दिन दंज बन करके निकला, वो आवाज तब तक नहीं उठी। मंगोत्रा साहब उसी जम्मू कश्मीर में आप हैं जिस जम्मू कश्मीर से चौधरी साहब बोल रहे हैं, क्या है स्थिति जम्मू कश्मीर की? क्या लोग खुश नहीं है? लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया है? क्या है तस्वीर जम्मू कश्मीर? बिल्कुल। और साथी एक और चीज यहाँ पर जो जोड़ना चाहेंगे, 370 को लेकर जब खुशी जाहिर की, सबसे ज्यादा वहां की बेटियों ने खुशी जाहिर की, उनकी बेटियों को लेकर किस तरह से लगातार जो अलग कर दिया जाता था अगर वो बाहर शादी कर लेती थी, वही मंगोत्रा साहब उसी स्थिति को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। स्थितियां विपक्षी पार्टियां कुछ और बताती हैं और जो तस्वीरें आती हैं वो कुछ और आती हैं। सबसे पहले लोग खुश हैं, एक तरफ चौधरी साहब कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कह रहे हैं नाखुश हैं, दूसरी तरफ मंगोत्रा साहब आप उसी जम्मू कश्मीर में हैं, मुझे उसी जम्मू कश्मीर की वो तस्वीर भी जाननी है जो आए दिन भारत दिखा रहा है। मंगोत्रा साहब, साखी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं भी वहीं पर हूँ, वहीं पर 23 साल के आपसे बड़ा बचपन जारी जिंदगी। मुट्ठी भर चावलों से जो हमारे सियासतदान यहाँ पर आज जो अपने आप को सियासतदान कहते थे और जो आजकल बंद हैं, मैं उनको सियासतदान नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो लोग बाहर आएंगे तो आकर आग लगाने का काम करें। उन्हीं सियासतदानों की वजह से ये छोटे से मुट्ठी भर चावल जो है वो भड़कते हैं और उबलते हैं। आज कहते हैं कि अगर आप उनके डेवलपमेंट, मैं आपसे एक सवाल पूछा तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैनाकोट में आज से 20-30 साल पहले HMT की फैक्ट्री लगाई गई, वो जला दी गई। कौन नहीं चाहता वहां डेवलपमेंट? कहीं कहीं यही मुट्ठी भर चावलों के साथ जो लीडरशिप है, जो वहां के लोग 370 में पैदा हुए थे और बिरयानियां खा रहे थे वहां पर, आज आप बताइए मेरे को कि 20 साल से 10 साल पहले आज कश्मीर के लोगों ने ट्रेन नहीं देखी जी। आज वहां पर ट्रेन जा रही है, लोग बोलते हैं बनिहाल से हम 47 सेकंड में पहुंच जाते हैं, ये क्या डेवलपमेंट नहीं है? हमारी डेवलपमेंट जो रोकी गई, जैसे अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि 370 की वजह से जो एक बात समझाइए जिस लोकतंत्र का, जिस संविधान का आप हवाला दे रहे हैं, आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आपको भारत के संविधान उसके आईन पर भरोसा है, अगर आपको उसी लोकतंत्र पर भरोसा भी है तो फिर आप आज साथ क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ थोड़े समय का साथ चाहिए, 31 अक्टूबर तक का साथ ढंग से दे दीजिए, स्थिति स्पष्ट होने लगेंगी। क्या रोक रहा है आपको? अनिल जी आऊंगी आपके पास, गुप्ता जवाब दीजिए पहले।
आवाज शायद उनकी मिल नहीं पा रही है, रजा रिजवी के पास हम पहुंच गए हैं। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रजा रिजवी जी, अभी जिस चीज का खुद रक्षा विशेषज्ञ जी यानी कि मंगोत्रा साहब जिक्र कर रहे थे कि जो नजरबंद किए गए हैं, जो नेता नजरबंद किए गए हैं, उनके लिए भी कई याचिकाएं दायर की जा रही है, कई विपक्षी पार्टियां हैं जो उनका साथ देती नजर आ रही है। लेकिन आप एक चीज को समझिए, जहां बेल बॉन्ड की शुरुआत की गई है कि बेल बॉन्ड आप भरिए और आप ये विश्वास दिलाइए कि आप वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे वहां पर अफवाहें फैले, वहां पर हिंसा हो, तो उस बेल बॉन्ड को भरने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नेता अभी भी यही चाहते हैं कि हम अपनी राजनीति अपनी तरीके से कर सके और यहां हिंसा फैला सके। वो आना ही नहीं चाहते बाहर, क्योंकि वो नजरें नहीं मिला पा रहे हैं जो कुछ स्थितियां उन्होंने बनाने की कोशिश की है। उसके बाद रजा रिजवी जी, देखिए ऐसा है कि इसको जरा समझने की जरूरत है जी, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा मामला नहीं है कि किसी जिले में कहीं एक मोहल्ले के अंदर और कहीं जो है एक शहर के किनारे ऊपर कोई दंगा हो गया हो और वहां थाने की पुलिस बुला करके इकट्ठी कर दी जाए और दंगा जो है वो खत्म कर लिया जाए और दंगा जो है मुक्त कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा मसला है, ये 70 सालों से अटका हुआ एक मसला है। और ये मसला खाली एक जिले का नहीं है, एक मसला खाली स्टेट का नहीं है, इसमें कई कंट्रियां इन्वॉल्व होती हैं डायरेक्ट। तो जाहिर सी बात है जब केंद्र सरकार ने देखा कि भाई ऐसे हालात हैं कि जो है राष्ट्रपति शासन वहां लगा हुआ है और जो उसके अधिकार हैं वो अधिकार राज्यसभा में और लोकसभा में मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जो एक टेम्परेरी फेज जो हिलने वाला एक एक्ट लगा हुआ था उस एक्ट को समाप्त कर किया राज्यसभा से भी लोकसभा से। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी जो वहाँ के कुछ मुट्ठी भर के लीडर हैं वो लीडर वहाँ के नौजवानों को वर्गलाते थे, उन नौजवानों को जो है अपने गिरफ्त में लेकर के उनको अपने हिसाब से अधा ईटा चलाने के लिए मजबूर करते थे, उनको रोजी रोटी के लिए तरफ नहीं लगाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसको जाहिर सी बात है कि छोटा मोटा मसला नहीं था। इस मसले को तय करने के लिए केंद्र सरकार ने जो चीज़ों का इस्तेमाल किया है और जो प्रिमरी तैयारी करनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि वह बड़ा मसला था, कुछ ना कुछ हो ही सकता था, कुछ हो सकता है। नेता नहीं चाहते हैं कि वहाँ जो है कश्मीर के लोग जो है खुली सांस में खुली हवा में सांस ले सकें, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं वो अपनी मुट्ठी में उनको करके रखें, वो नहीं चाहते हैं कश्मीर के लोग जो है ये बिल्कुल आजाद होकर के हिंदुस्तान के अंदर घूमे आए, उनका डेवलपमेंट हो। वहां के नौजवानों को जो कश्मीर के लीडरान है किस तरफ ले जाना चाहते हैं? उन नौजवानों को डेवलपमेंट में ले जाना चाहते हैं, पढ़ाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं कि उनको ढकेलना चाहते हैं कि आधा ईटा लेकर के वो वार करें? यही डिफरेंस समझने की जरूरत है, यही फर्क समझने की जरूरत है। एक बात कही जाती है कि जन्नत वो सपना है जिसे भगवान कभी पूरा नहीं करता है। आज और हकीकत अभी होता है, जो है अभी है, आज है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, और जो बदलाव होंगे उसे स्वीकारना होगा, चाहे पसंद है या नहीं पसंद है। चौधरी आपके पास वापस आऊंगी, जब लगातार हम कंपेयर कर रहे हैं एक उस हकीकत को जो आप बता रहे हैं, एक उस हकीकत को जो आज बनी हुई है, क्या नाखुश कर रही है, किस चीज से परेशान है? अगर लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा है तो भरोसा करने के साथ ही जरूरत समझिए, अभी विकास की जरूरत समझिए, बदलाव की जरूरत समझिए। पिछले 70 सालों से देख ही तो रहे हैं कि धारा 370 ने क्या दिया है, एक बार ये भी अपना कर देख लीजिए। मैं चौधरी से आऊंगी आपके पास। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि पूरे देश को, देश के जितने भी लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, सभी जितने भी आवाम है पूरे देश को, सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो जुडिशरी पे ही है, आईन पे ही है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आर्टिकल 370 का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में था, ये सब पूरा देश जानता है। मसला सब जुडिस था, उसके होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने 370 को उठा लिया। ये सबसे बड़ी बात है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो आइन को, हमें कहते हैं कि जनाब आप आइन को देखें, तो आइन के ही मानने वाले हैं, आइन को ही फॉलो करने वाले हैं। दूसरी बात, सरकार के लिए नहीं हो सकता। दूसरी बात
दूसरी बात, जब ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे बीजेपी के साथी भी ये बात कह रहे थे कि उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जितनी भी ये योजना है, तो जनाब मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, शायद आप इस बात से अवेयर नहीं हूं, रियासत जम्मू कश्मीर जो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में आपने यूनियन टेरिटरी बना दी है, यहां पर ये जितनी भी स्कीम्स थी ये जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी जो है, जो भी स्कीम बाकी स्टेट्स में आती थी वो जम्मू कश्मीर में भी आती थी, लेकिन यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मदद से, यहाँ की असेंबली की वजह से, ये क्या परिभाषा है आपकी? अब ये आपको बात सारी योजना ही है सरकार की चाहिए, लेकिन भारत का कोई भी नागरिक वहाँ जाके नौकरी नहीं कर सकता, भारत का कोई भी नागरिक वहाँ जाके रह नहीं सकता, आपको सारी योजना चाहिए, आपको पूरा पूरा बजट चाहिए, ये क्या परिभाषा है? अब आर्टिकल 3 370 होने के बावजूद भी कश्मीर पिछड़ा क्यों रहा? 370 होने के बाद भी कश्मीर के युवक बेरोजगार क्यों रहे? 370 होने के बाद भी कश्मीर अशिक्षित क्यों रहा? 370 होने के बाद भी कश्मीर में आतंकवाद क्यों है? 370 होने के बाद भी कश्मीर का अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ? अगर वो इतनी अच्छी चीज थी तो आज कश्मीर सबसे पीछे क्यों? मैं आपसे और जो 370 विरोध कर रहे हैं उन सब नेताओं से मेरा एक क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बिल्कुल, और इसके साथ साथ चौधरी साहब एक और सवाल यहाँ पर मैं जोड़ रही हूँ, क्योंकि कश्मीर में रहते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो ये सवाल बार बार करते थे कि आप लोगों ने किया ही क्या है, सरकार से ये भी सवाल किया जाता था, लेकिन अगर अनुच्छेद 370 को हटाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ये खुद कहता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ समय लगेगा हालातों को सामान्य होने में, तो ऐसे में आप क्यों लगातार इन चीजों पर सवाल उठा रहे हैं? आप क्यों इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि अनुच्छेद 370 संवैधानिक रूप से और विकास पहुंचने वाला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में? जी, और प्रिया जो पैसा जेएनके में आया है आप उसका हिसाब लगाइए, उससे आप खुश रहिए, हिंदुस्तान को फकीर बना दिया। जब पूरी सरकार वहाँ मदद कर रही है तो वही सरकार जो है वहाँ पर पैसा कहाँ गया? 70 खत्म कर रही है, तो आपको खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि बहुत अच्छा सरकार ने किया 370 आपको, तो और हर्षित होना चाहिए। पहले और उसके बाद सोचेंगे कहीं की हर एक सवाल का जवाब केंद्र सरकार से फायदा लेंगे, सोचेंगे कहीं अलग की बात। जी जी, रिजवी जी आऊंगी दूसरे सवाल के साथ। अहमद जी जल्दी से हर एक सवाल का जवाब। पहले बात, मैं बीजेपी के साथी जो हैं हमारे डिबेट में जो पैनल में बैठे हैं, मैं उनको ये बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर के सिर्फ 5-10% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, ठीक है। हम यहां से दिल्ली जाते हैं, हम यहां से यूपी जाते हैं, हम झारखंड जाते हैं, आप बाकी स्टेट्स का डाटा उठाएं, बाकी स्टेट्स का रिकॉर्ड उठाएं, आप वहां पे देखें कि आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी नौकरियां दी हैं, आप झारखंड में जाएं वहां पे आपकी गवर्नमेंट आपने वहां पे कितनी नौकरियां दी हैं, है ना, जहां पे पिछले काफी वक्त से बीजेपी की वहां पर गवर्नमेंट है, वहां पर पत्थरबाजी नहीं है, आपके यहाँ पत्थरबाजी, कुछ पैसों पर सेना पर पत्थरबाजी करते हैं, और अनिल जी लग रहा है कि पैसे लेकर के सेना, अनिल जी लग रहा है वही रोजगार भी नजर आ रहा है, पूरी बात पहले कश्मीर वालों को उत्तर प्रदेश में लोग किराए का मकान नहीं देते हैं, किसान पता नहीं कैसे आतंकवादी है, लग तो ऐसा रहा है कि गलत आदमी है, कभी बेरोजगारी की समस्या नहीं है, मसला है कि आप जम्मू कश्मीर में लग रहा है कि इससे पहले कभी बेरोजगारी की समस्या थी नहीं, आप बेरोजगारी से नहीं प्यार करते हैं और आप तुलना कर रहे हैं कश्मीर से, जरूर प्यार करते हैं चौधरी साहब, आप यहाँ से आप खुद ही एक्सपोर्ट हो जाते हो, कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर रोजगार के लिए भी कई विकल्प आ चुके हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सिर्फ खेती के लिए जाना जाता है, लोग खेती के माध्यम से ही जो रोजमर्रा की जिंदगी गुजार पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी अन्य चीजें ही हैं, लेकिन रोजगार की जब आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, रोजगार की आप यूपी से तुलना कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में आपने पहुंचने ही क्या दिया, वहां की सरकारों ने वहां पहुंचने ही क्या दिया? फिलहाल प्रिया फायदा नहीं है,
फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर, जैसे अभी मंगोत्रा साहब ने कहा ये कुछ मुट्ठी भर चावल और इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए सांची कहा जाता है। बिल्कुल मंगोत्रा साहब जी के पास ही आएंगे क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की जुबान ये लोग बोलते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ये चाहता है कि आतंकी जो संगठन है, जो आतंकी फैक्ट्रियां हैं उसकी, वो चलती रहे, उसी जुबान में ये लोग भी विकास को रोकने की बात करते हैं या ये कहते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाना ठीक नहीं है। मंगोत्रा सर, अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान लगातार गिदर भपकी दे रहा है कि युद्ध होगा युद्ध होगा, अरे आप ये तो देखिए आपके पास सेना कितनी है। आप भारत की सेना से लड़ने की बात कर रहे हैं, भारतीय सेना जो सबसे मजबूत सेनाओं में चौथे नंबर पर है और संख्या बल के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं मंगोत्रा साहब। प्रिया साक्षी जी, यहाँ यहाँ मैं आपको मिलिटरीली उसके आप में क्लियर कर देता हूँ, बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से ही कि पाकिस्तान के पास 3 दिन के लिए पेट्रोल नहीं है हमारे साथ लड़ने के लिए। तो हमारे साथ क्या बात करेंगे और क्या लड़ेंगे और क्या नहीं लड़ेंगे। वो मैं आपको हमारे यहाँ कहावत है ना, वो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, उसके पास है क्या जो हमारे से लड़ेंगे। और वो लड़ने की बात करते हैं, बार बार धमकी देते हैं हमारे पास न्यूक्लियर है। अरे आपका वजूद ही नहीं रहेगा अगर अगर ऐसी बात करोगे। हमने लाखों बार आप देखिए कि किस बार हमारी तरफ से उनके साथ दोस्ती का हाथ हमने नहीं बढ़ाया है। पाकिस्तान के साथ हर बार जब भी हमने दोस्ती का बात करी है तो उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के तो कारगिल हुआ, उसे आप मिलिटरीली देखिए जब भी इन्होंने कोशिश किया 1940 हम तो कहते हैं आजादी से, आप देखिए 3 घंटे के अंदर कश्मीर का पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था के इस मंदी को छुपाने के लिए पाकिस्तानियों से यानी कि पाकिस्तान के नागरिकों से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि रोज आप आधा घंटा निकालिए, कश्मीर को लेकर बाहर आइए, वहां पर धरना प्रदर्शन कीजिए, स्ट्राइक्स कीजिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि समय की बर्बादी है पाकिस्तान पर बात करना। बिल्कुल रजा रिजवी जी, जम्मू कश्मीर को लेकर के आप उनके पत्रकारों से सुनिए जी, पाकिस्तान के पत्रकारों से सुनिए आप। वो लोग वो सर सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं, उनके पास कंटेंट नहीं होता है, उनके पास मुद्दा नहीं होता है, उनको पता है उनके उन्हें अपने लोगों को दिखाना क्या है, उन्हें कुछ सर्व करना है। इंडिया से बेहतर कंटेंट उन्हें नहीं मिल सकता है। चले रिजवी साहब आपके पास आएंगे, जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर के कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। शैला रशीद यहाँ आकर के उनकी इतनी हिम्मत होती है, वो ट्वीट करती हैं एक के बाद एक, ट्वीट करके कहती हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन पर हिंसा हो रही है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, लोग अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। अरे आपको संविधान पर अपने लोकतंत्र पर इतना ही भरोसा है तो रुक जाइए कुछ दिन, साथ दे दीजिए सरकार का, हर महीना बदल जाएगा, हर परिभाषा बदल जाएगी। रिजवी साहब साजी जी इनसे पूछिए कि जब कश्मीरी पंडित 3-5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया उस वक्त ये लोग कहां थे। देखिए सरकार को समय चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं है कि फौरन आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। ये समय है, इसमें समय चाहिए सरकार को। सरकार इतनी जल्दी जो है वो कोई निर्णय नहीं कर सकती कि फौरन हर चीज को हल कर। 370 हटाने में 70 साल लगा है तो वहां की शांति बहाल करने के लिए 70 दिन कांग्रेस को मिलना चाहिए। दूसरा जो हमारे चौहरे हैं, मैं पता नहीं समझ नहीं पाता हूं ये कि हमारे जो कश्मीर के मुसलमान भाई हैं, कुछ कश्मीर के भाई या कुछ हैं कि नहीं है, लेकिन उनका दिमाग और पाकिस्तान की तरफ क्यों रहता है हमें यही नहीं समझ पाते हैं। चाहते हैं कि हिंदुस्तान से उनको मदद मिले और दिमाग पाकिस्तान की तरफ रहता है। अरे वहां मिलोगे तो मुहाजिर कहलाओगे। आज तक हिंदुस्तान से जो गया है आदमी वो वहां पर जो है अभी नेशनलिटी नहीं पा पाया है। मुहाजिर है, मैं यहीं पे आपसे एक सवाल, माफ कीजिएगा मैं रोक रही हूं, लेकिन रोकना इसलिए जरूरी है। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं आपसे इसी पर एक सवाल लेना दुनिया में आराम से एक भारतीय मुसलमान इस बात को कश्मीर के मुसलमान क्यों नहीं समझते हैं कि इतनी योजनाएं जा रही है उसका फायदा ले वो। जी रिजवी जी, आप एक भारतीय मुसलमान है, कल बड़ा मुसलमान इमरान खान को करते हुए सुना गया। मैं एक बार सिर्फ एक बार आपके मुंह से पाकिस्तान को इमरान खान को आपके मुंह से जवाब दिलवाना चाहती हूं, भारत का मुसलमान कैसे जी रहा है। रिजवी साहब
भारत का मुसलमान हिंदुस्तान में, भारत का मुसलमान पूरी दुनिया में बहुत ही शान से, बहुत ही मजबूती से और सर उठा करके जी रहा है। हम तो कहते हैं जो और कंट्री है मुस्लिम के, उसमें देखिए मुसलमान मुसलमान आपस में लड़ रहा है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो, मैं तो नाम ले कह रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान पता नहीं क्यों कश्मीर के जो मुसलमान है उनका दिलो दिमाग पाकिस्तान की तरफ रहता है, क्यों रहता है? सुकून से रह रहे हैं, बहुत अमन से रह रहे हैं, बहुत शांति से रह रहे हैं हर जगह। इस साल कम से कम 50-60 आईएएस मुसलमान आए हैं, जजेस कम से कम 37-38 जजेस आए हैं मुसलमान बने हैं। जवाब दीजिए, मुसलमान बेहद हताशा भरे शब्दों में आप आलोचना करते हैं सरकार की, बेहद हताशा भरे शब्दों में आप बताते हैं कैसे परेशान है मुस्लिम, माइनॉरिटी लगाते हैं मुसलमानों के साथ। जवाब दीजिए, शाल बेचने के लिए तो उसको लोग बड़ी अच्छी निगाह से नहीं देखते, उससे शाल नहीं लेते, उनका बिजनेस खराब कर दिया इन कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के मुसलमानों का व्यवसाय खत्म कर दिया। जवाब दीजिए, तो शाल नहीं बेच पाते उत्तर प्रदेश में आकर के, डर डर के बेचते हैं, दर्द समझ नहीं रहे हैं उनसे। ये होती है राष्ट्रभक्ति, इसे कहते हैं संविधान पर भरोसा, लोकतंत्र पर। बात सुन लिया, जवाब सुने आप जी। विल यू रिपीट, आपने क्या बोला? आपने सुना रजा रिजवी की एक एक बात को, एक एक शब्द को? भारत का मुसलमान कैसे जी रहा है, कश्मीर के मुसलमान क्या खो रहे हैं, ये सुना आपने उनके मुंह से? जवाब दीजिए इसका, ये खो रहा है कश्मीर का मुसलमान? सुने सुने आप सुने, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मुझे मुझे जहां तक मुझे लग रहा है, सुबह से लेकर शाम तक जो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाता है, मुझे लगता है प्यार उसी को ज्यादा पाकिस्तान से होगा, तभी आप लोग सुबह से लेकर शाम तक। आपने मेरी बात सुनी थी? पाकिस्तान पाकिस्तान बीच में मैंने क्या बोला था? मैं ये समय समझती ही नहीं, पाकिस्तान को फुटेज नहीं देना इस डिबेट में, तो बिल्कुल नहीं देना, मैंने ये शुरू में ही बोला, बीच में ही रोका। क्यों पाकिस्तान में आप बात कर रहे हो? अगर जम्मू कश्मीर की बात, भारत का मुसलमान कैसा जी रहा है, कश्मीर का मुसलमान क्या खो रहा है, रजा रिजवी ने बताया, जवाब दीजिए। आप दे रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, क्या खोया पाकिस्तान चलाते हो? अगर आपने जम्मू कश्मीर को बोले रखे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, और आर्टिकल 370 किसी और ने नहीं दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। आपने सुना नहीं, भारत का मुसलमान कैसा है? मैंने रजा रिजवी, भारत का मुसलमान कैसे जी रहा है, कश्मीर का मुसलमान क्या खो रहा है, जवाब दीजिए। फिर से सुनिए आप रजा रिजवी। भारत का मुसलमान बहुत ही आराम से, बहुत ही डेवलपमेंट में, नौकरी में, व्यवसाय में, बिजनेस में शाना बशाना मिला करके चल रहा है, यहाँ के अपने हिंदू भाइयों के साथ, यहाँ अपने सिख भाइयों के साथ, यहाँ अपने ईसाइयों भाइयों के साथ। लेकिन जो वहाँ के कश्मीर की हालात जो बना करके वहाँ हमारे भाइयों ने रखा है, वो बहुत अच्छा बना करके नहीं रखा है, और यही कारण है कि वहां का जब मुसलमान यहाँ आकर के व्यवसाय अपना करता है, उसका व्यवसाय क्या होता है, जाड़े में शाल लेकर के आता है, बड़ा से जो है वो लबादा पहनते हैं, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, पश्मीना का शाल लेकर के आता है। आप समझिए, बहुत से लोग डर के मारे, मैं तो गोमती नगर लखनऊ में रहता हूँ, डर के मारे लोग उससे नहीं खरीदते हैं कि पता नहीं इसका कहीं किसी आतंकवादी से संगठन से कोई गठबंधन ना हो। अहमद सुना, तो कैसा बना के आपने रखा है कश्मीर का मुसलमान भाई जो बिजनेस कर रहे हैं? जवाब दीजिए बेहद इत्मीनान से, वहाँ स्टेट समय लेकर जवाब दीजिए। नहीं है डर के मारे नहीं खरीदते। सुने आप, सुने बिना आप बात, पहली बात यह है, पहली बात यह है, ऐसा माहौल बना के यही कि हमारे कश्मीरी भाई यहाँ फ्री की तो समय नहीं, आप लोगों की मेंटेलिटी है, यही आप लोगों की सोच है, आप निर्धारित नहीं करेंगे विचारधारा, आप निर्धारित नहीं करेंगे। आपने कहा ना कि जब कोई जम्मू कश्मीर का आदमी, जब कोई जम्मू कश्मीर का आदमी बाकी स्टेट्स में आता है, उनको शक की निगाह से देखा जाता है। अरे यही चीज तो आप पिछले 70 साल में इन लोगों का दिल नहीं जीत पाए। मैं आपको यह बता दूं, कैप्टन फयाज, लेफ्टिनेंट फयाज, उसने कश्मीर के लिए शहादत दी, आपने ऐसा क्यों माहौल वहां बना के रखा? उसने जम्मू कश्मीर के लिए शहादत औरंगजेब ने भी दी, जिसका नाम आप भूल रहे हैं, आपको पता नहीं है, क्यों नहीं वहां आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं है। दूसरी बात, कश्मीर की पहचान आप लोगों ने खोई है। दूसरी बात सुने,
दूसरी बात यह सुने कि जब यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, केरल से कोई टूरिस्ट आता है जम्मू कश्मीर में, तो दे हैव 0% क्राइम। ये मैं नहीं कह रहा, कश्मीर से कोई बच्चा बाकी राज्यों में पढ़ने के लिए आता है तो वो पढ़ता है, लेकिन उसको मिलता, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बाहर जाते हैं तो आप उनको शक की निगाह से देखते हो। सच तो ये है, हकीकत ये है, उसको रिजर्वेशन मिलता है, उसको आरक्षण मिलता है। आपको जम्मू कश्मीर चाहिए, आपको आरक्षण नहीं देंगे आप लोग। वहाँ से आपको पढ़ने जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना स्वीकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अब तरीके से बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, क्यों चल रही है जगह से भर लो कैसे प्यार लगातार आप बोल रहे हैं पाकिस्तान की चर्चा आप लोग खुद करते हैं, पाकिस्तान के अलावा आप लोग खुद गाते हैं और न्यूज चैनल्स पर आप धब्बा थोपने के लिए आते हैं। इस डिबेट में एक बात का जवाब दीजिए, जब से अनुच्छेद 370 हटा है, एक बात का जवाब दीजिए, जब से अनुच्छेद 370 हटा है तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है? आप तो सिर्फ मुफ्तार जी, मैं सुनना चाहती हूँ, बोल क्या रहे हैं जी आप बोलिए, अहमद जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं, क्या सिर्फ कर रहे हैं, चैनल क्या करता है? अरे आपके लिए तो 1947 से लेकर भारतीय मीडिया बिका हुआ ही लगता है। आपको कब लगा कि भारतीय मीडिया आपके लिए काम कर रहा है? हर कोई, कांग्रेस आती है तो मीडिया बिका हुआ है, बीजेपी आती है मीडिया बिका हुआ है। आपको कभी लगता है कि आपकी आवाज मीडिया बनने की कोशिश कर रही है? क्या आपने कभी सरकार को समझा? लोकतंत्र पे भरोसा किस नाम का भरोसा है? अपनी राजनीतिक रोटियां बनाते हैं आप, कल के राजनेता बनना चाह रहे हैं आप, हमें ये सच्चाई है। हमें लोकतंत्र पे भी भरोसा है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भी भरोसा है, लेकिन हमें उन लोगों पे भरोसा नहीं है जो वाइस चलाते हैं। सर अहमद जी, आपके माध्यम से और जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं उनके माध्यम से मैं एक बात उन सबको कहना चाहता हूँ कि युद्ध की शुरुआत अगर पाकिस्तान करेगा तो समाप्त हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर करेगा। इसलिए समाप्त हम करेंगे। बहुत शांति के साथ गुफ्तार जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। और सुने 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 आपसे, बिल्कुल बिल्कुल सुने आप सुने और मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ, दूसरी बात मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ कि जम्मू कश्मीर का मैं पूरा शख्स होगा जो हिंदुस्तान के साथ अटैक करने के लिए तैयार होऊंगा। मैं पहला शख्स होऊंगा। आप हर दुश्मन के लिए अभी क्या इस लाइन को दोहराइए, आप फिर से बोलिए, सब चुप है, फिर से दोहराइए लाइन, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, आप लोग को हकीकत नहीं, हकीकत आप लोगों को हिंदुस्तान के साथ लाइन दोहराइए अपनी, क्या करेंगे आप हिंदुस्तान के साथ, अपनी देश की आर्मी के साथ। सुने ना, सुने ना, सुने, एक सेकंड सुने, मैं कह रहा हूँ ये जो हमारे बीजेपी के साथी है ना, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि जब भी और मैं भी ये बात कहता हूँ कि आओ मिलकर हिंदुस्तान के साथ मिलकर हम अपने दुश्मनों को खत्म करें, और मैं वो पहला शख्स हूंगा जम्मू कश्मीर का शहरी होने के नाते, मैं वो पहला शख्स हूँ जो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ खड़ा होगा। आप एक बार तैयारी तो करें। चौधरी साहब, अभी अनुच्छेद 370 खत्म हुआ तो आपको ये लगने लगा कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के लोग खत्म हो जाएंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है? जब सभी राज्य एक हैं, अभी तक किसी राज्य की संस्कृति खत्म नहीं हुई, बिहार की अलग संस्कृति है, वहां के लोग अलग रहन सहन करते हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर की संस्कृति को लोग बनाते हैं, संस्कृति किसी भी राज्य की लोग बनाते हैं, आप संस्कृति की बात करने लगते हैं अनुच्छेद 370 हटते ही, आप विकास पर बात नहीं करते हैं कि विकास वहां पहुंच पाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि संस्कृति पूरी तरह खत्म हो जाएगी, वहां के लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसी मानसिकता क्यों? चलिए मुझे देखिए, आप विकास की बात तो बिल्कुल ना करें, देखिए विकास की बात आप बिल्कुल ना करें, हमारी डेवलपमेंट नहीं चाहिए कश्मीर को, क्योंकि पहले से ही बात विकास की जरूरत नहीं है, उससे हम विकास में सबसे आगे हैं। आप प्रदेश बिहार झारखंड महाराष्ट्र उन लोगों को नौकरी दे, हमें हम विकास पर विकास आप सब लोगों से ज्यादा आगे हैं। दूसरी बात ये, हिंदुस्तान एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे नागालैंड नाम किसने, अगर हम जाएंगे वहाँ के लोगों की अलग आइडेंटिटी है, अगर हम साउथ में जाएंगे वहाँ के लोगों की अलग आइडेंटिटी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक अलग पहचान है। क्या पहचान, पहचान अलग पहचान क्या है मंगोत्रा साहब,
आप मुझे एक चीज स्पष्ट तौर पर बता दीजिए, लोगों को समझा दीजिए, दर्शकों को समझा दीजिए, जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू खुश है, लद्दाख में खुशी है, कश्मीर के कुछ हिस्से को ये झूठे लोग अपने स्तर पर आकर के बोल रहे हैं, बता रहे हैं, न जाने क्या प्रचार कर रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। भरोसा इन्हें अब तक भी नहीं है, लेकिन ये चले हैं भारत के लिए लड़ने के लिए, जान देने के लिए। इन्हें बताइए भ्रष्टाचार किस स्तर पर जम्मू कश्मीर में होता था। गवर्नर सत्यपाल मलिक कहते रहे, क्या बयान होते थे पीडीपी मुखिया की, तिरंगा नहीं रहने देंगी, हाथ जलकर राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, ऐसे राजनेता थे इनके, मंगोत्रा साहब। और उस पर आपका क्या रिएक्शन थी सर, मुख्तार अहमद चौधरी साहब, जब वो भाग्य में बोलते थे, आपकी क्या रिएक्शन थी? देना चाहता हूँ यहाँ पर। चलिए मंगोत्रा साहब बात पूरी कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अभी मेरे साथ प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने फयाज, लेफ्टिनेंट फयाज का जो जिक्र किया है, आप देखिए कि लेफ्टिनेंट फयाज, लोग कहते हैं कि हमारा जो वहां लोग हैं जो हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट फयाज ने कमीशन लिया इंडियन आर्मी के अंदर और अपनी मौसी की लड़की की शादी को अटेंड करने ले गया, उसको किसने मारा? मैं ये सवाल पूछता हूं आवाम से वहां के जी। किसने मारा उस शख्स को, कौन थे वो लोग और किसके घर बैठे हुए थे? नहीं देंगे जवाब, कौन करा देता है उनको, कर रहे हैं आपको जवाब, कहां पर ये सारी चीजें डेवलप होती हैं? हमको उनको पकड़ना है, वो लोग वहीं पर थे। मैंने इसी बात पर आपको कहा था कि पुलवामा का अगर वो किस्सा हुआ तो वो जो गाड़ी आई थी कहां रही, किसके पास रही, किसने वहां पर तैयारी की, कौन उसको देख रहा था, किसने वो डर किया, इन सवालों के जवाब इन लोगों के पास नहीं है। छुपते कहां पर, आवाम को जो है बाहर निकल के आना पड़ेगा, नहीं तो उनके बच्चे इसी तरह शहीदों की तरह लेफ्टिनेंट को मार दिया गया। बड़े अफसोस होता है हमें, उस बच्चे ने अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए कैसे कैसे सपने देखे होंगे, अपने माँ बाप के लिए सपने देखे होंगे कि आज मैं अफसर बन गया हिंदुस्तान आर्मी का और मैं कहां का कहां जाऊंगा, और उसको वहीं पर खत्म कर दिया गया। बड़े अफसोस की बात है, मैं आवाम से यही पूछता हूँ, और आवाम को बाहर आना पड़ेगा, कश्मीरी आवाम को, अगर हिंदुस्तान के तमाम स्टेटों के लोग वहां पर हिंदुस्तान कश्मीर की आजादी के लिए शहादतें दे रहे हैं तो कश्मीर के आवाम को भी इसके बाहर आकर शहादतें देनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो शहादतें नहीं दे रहे हैं, वो अपने आदमियों को शहादतें दे रहे हैं और अपने आदमी उनको मार रहे हैं, ठीक है, उनको वहां से निकालना है। और आप देखिए दो दिन में वहां पर शांति हो जाए, ये लोग बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं, और आवाम को समझाने में लीडर भी हमें चाहिए। आज तक सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी राज्य है, अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आरएसएस आ जाएगा, आरएसएस बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों के हकों को छीन लिया जाएगा। आप देखिए यही परिभाषा इन्होंने तय की थी जम्मू कश्मीर की, जिसे बदलने की कोशिश अब सरकार कर रही। रिजवी साहब, सरकार जो काम कर रही है वो सही बात है कि 370 ला करके सबको आम धारा में जोड़ना चाह रही है। आप देखिए एक स्पीकर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और उन स्पीकर ने विधानसभा में किस देश का नारा लगाया था, जिंदाबाद कहा था, मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा। स्पीकर ने किस बात का नारा लगाया, उस देश का जिंदाबाद, कई बार लगाया विधानसभा में नारा लगाया स्पीकर ने, भारत के समर्थन में नहीं, मुझे गुस्सा दिला दिया, पाकिस्तान के समर्थन में नारे गुस्सा दिला दिया। तो जी रिजवी साहब, तो हाँ, तो किसने गुस्सा दिला दिया? अगर कोई गुस्सा दिला दे तो ये गू खा लेंगे, अगर कोई इनको गुस्सा दिला दे स्पीकर साहब को तो पैखाना खा लेंगे गुस्से में, कि हम पैखाना खाएंगे। इतना गुस्सा क्या है कि हमारे दुश्मन देश का स्पीकर में जिंदाबाद का नारा लगा दें आप? अरे साहब बदलिए मेंटेलिटी, भारत भारत आपकी बहबूदी के लिए, आपकी तरक्की के लिए जरा वक्त दीजिए, जरा समय दीजिए, 2-3 साल के अंदर देखिए आप कितने तरक्की याफ्ता जो है वो स्टेट होंगे, आप कितनी तरक्की याफ्ता होंगे और आप कितने अमन पसंद लोग होंगे, बहुत ही शानदार कश्मीर, जम्मू और लद्दाख बनेगा पूरी दुनिया। बहुत पॉजिटिवली आप देखेंगे, मौका दीजिए 2-3 साल का, बहुत पॉजिटिवली आप अपने दिमाग से वो चीजें निकालिए, क्योंकि जब नई चीजें आती हैं तो नई चीजें जगह लेने में जरा परेशानी होती है, और जब जगह बन जाती है नई चीजों की तब वो समझ में आती है।
और जम्मू कश्मीर ने तो कितने बदलाव देखे हैं, कितनी डायनेस्टी आई है, कितनी डायनेस्टी गई है, लेकिन बदलाव हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, कश्मीर आगे बढ़ता रहा, कश्मीर कभी खत्म नहीं हुआ, कश्मीर से कभी उसकी खूबसूरती, उसकी संस्कृति कभी मिटी नहीं, यही खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की। अनिल जी बहुत पॉजिटिवली, आगे सरकार कश्मीर के युवाओं तक कैसे पहुंचेगी सबसे विकट परिस्थितियों के बीच, सबसे बड़ा सवाल और आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी। साची जी, हम तो कश्मीर, समूचे कश्मीर के हर प्रत्येक निवासी का डेवलपमेंट चाहते हैं, उसका विकास चाहते हैं, और निश्चित तौर पर जो विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगा उसके साथ सरकार पूरी तरीके से खड़ी दिखाई देगी। और जो कश्मीरियत के खिलाफ, जो हिंदुस्तान के खिलाफ, जो भारत के खिलाफ कार्रवाई सोचेगा, उसको निश्चित तौर पर उसी तरीके से उसका व्यवहार उसके हिसाब से करा जाएगा। हम चाहते हैं कश्मीर और हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है और वो पूरी तरीके से डेवलप हो, पूरी तरीके से विकसित हो और वो विश्व के स्तर पर पर्यटन स्थल बने, विश्व के स्तर पर पर्यटन। सारा पैनल मेरे साथ हमारी योजना है, रजा रिजवी, एसके मंगोत्रा, अनिल गोयल, अहमद, प्रिया, मैं, हम सभी को, हमारे दर्शकों को भी कितना अच्छा लगा था, कितना खूबसूरत था प्रिया वो जब सिविल सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लहरा रहा था। अहमद कैसा लगा था? आवाज पहुंच रही है अहमद? कैसा लगा था सिविल सेक्रेटेरिएट पर जब तिरंगा लहरा रहा था? आपने जो है सिविल सेक्रेटरीट से जो जम्मू कश्मीर का जो फ्लैग था वो आपने उतार दिया। बार बार हम यही कहेंगे कि आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में उतारा। तिरंगा जब वहां लहरा रहा था तो कैसा महसूस हो रहा था अब क्या पहली बार वो तिरंगा वहां पर लहरा रहा, कैसा महसूस हुआ पहली बार? आप मुझे इस चीज का जवाब दे, क्या देश का आप मुझे इस चीज का जवाब दे, इमारत से लहरा रहा था सबसे ऊंचा, कैसा लग रहा था? प्रिया जी शायद आपको मालूम नहीं है, आपको इस चीज का मालूम, ये बात मालूम नहीं है कि वहां पर पहली बार झंडा नहीं लहराया, 1947 से वो झंडा वहीं पे है। लेकिन आपको पहली चीज का पता ही नहीं, आपको ये मालूम नहीं है कि पहली बार वो झंडा नहीं लहराया गया था। जब धारा 370 को संविधान के पन्नों आपको इस चीज का हटा दिया गया, उसके बाद आपको इस चीज का जो है वो नहीं है, आपको इस चीज का इलम ही नहीं, आप यही तो पूरे देश को गुमराह कर रहे हो, पूरे देश इसी तरीके से पूरे देश को गुमराह कर रहे हो, इसी तरीके से पूरे देश को गुमराह कर रहे हो कि पहली बार जम्मू कश्मीर में झंडा लहराया गया, पूरे जम्मू कश्मीर के हर घर पे हिंदुस्तान का झंडा लहराया गया, 1947 से लहराया गया हुआ है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स, एक निशान एक विधान के साथ अब सभी चीजें जम्मू कश्मीर में लागू हो रही है। अहमद कैसा लगा? एक तस्वीर आपको कैसी लगी? वो एक तिरंगा एक कश्मीर का, लेकिन 370 हटने के बाद तिरंगा लगा। चलिए रजा रिजवी जी, जम्मू कश्मीर को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में फैसला जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी से सब लोग एक एक कमेंट करेंगे बिना समय गवाए। रजा रिजवी क्या कहेंगे आज की मौजूदा हालात को लेकर? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अक्टूबर से हियरिंग शुरू हो जाएगी, जल्दी से जी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही समझदारी, जिस तरह से जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ही समझदारी से वो निर्णय कर रही है, और कानून के दायरे को देखते हुए उस जो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट देगी वो बहुत सही होगी। लेकिन यह है कि हालात वहाँ धीमे धीमे सुधर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे हालात वहाँ के होंगे और सब बहुत राजी खुशी से वहाँ के लोग अमन सुकून से रहेंगे और हम लोग शाना बशाना जो है साथ मिल के सब वहाँ रहेंगे, कश्मीर के लोग भी, हिंदुस्तान के लोग भी, और हम चाहते हैं कि हमारे जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो आकर के किसी भी तरीके की छोटे देशों को जवाब देने के लिए भारत तैयार है। साक्षी, मैंने आपको पहले भी बता के पाकिस्तान छोड़ दीजिए उनकी बात, मैंने आपको बता दिया कि उनके पास 3 दिन के लिए पेट्रोल नहीं है, लड़ने के लिए वो लड़ेंगे क्या हमसे? इंडियन आर्मी में आपको सेना जो है वो इतनी सक्षम है कि आज अगर
दोनों फ्रंट भी हमारे खुलते हैं, चाइना का भी उधर का भी, तो हम इतने सक्षम हैं इस वक्त कि बिल्कुल हम उन दोनों महाजनों को देख सकते हैं। हमारी सेना इतनी सक्षम है क्योंकि आपने देखा होगा इंटरनेशनल फोरम में भी अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि चाइना मीडिया है, चाइना कहता है कि वो नहीं है, तो वो भी ये कहते हैं कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है ये, उसको भी ये पता है ये कि अब ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। तो इसलिए ये सोचना कि पाकिस्तान को बड़ी चीज कर देगा या ये कर देगा, मैं आपको अहमद जी 1947 का भारत नहीं है, 1990 का भारत नहीं है, 2010 का भारत नहीं है, 2016 का भारत नहीं है, ये 2019 का भारत है। बिल्कुल, और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट से बात जो है वो स्टार्ट की थी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा यकीन है, सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो शनाख्त थी वो हमें लीगल वे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वापस मिलेगी, और जुडिशरी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, जल्दी से सर अनिल जी अपनी तरफ से जवाब दीजिए, 7 दिन के अंदर प्रेस को लेकर के सबसे पहले जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी पिटिशंस पर भी। साची जी सही बायदों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है और कानूनी काम प्रक्रिया अपने हिसाब से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के किसी भी काम को रोका नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ही चाहती है कि अभी सरकार को समय दिया जाए, कश्मीर में शांति स्थापित हो। और सुप्रीम कोर्ट ने हर उस व्यक्ति को भी कहा है कि आपके किसी भी कदम से सरकार वहां पर अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, वातावरण खराब नहीं होना चाहिए, और इस बात का ध्यान सरकार रख रही है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के अभूतपूर्व फैसला लिया गया जिसको हर कोई आज सराहा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें होंगी, न्याय होगा ये अपेक्षित है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।